फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप किसी भी कंप्यूटर की फाइल को आप अपने अकाउंट से, यानी कि आपने अगर जैसे विंडो 10 को जब इंस्टॉल किया था तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी सेटअप होता है या उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, तो वो साइन इन ऑप्शन के अंदर भी आपको दिखाई देता है। तो ये आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सेटल है ऑलरेडी? तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो विंडो बटन है, यानी कि इस आइकन पर आप जब क्लिक करते हैं देन यू विल गेट द इमेज। ये आपका एक्चुअल में दिखा रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो कन्फिगर है या नहीं है। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को कन्फिगर करने का बेनिफिट क्या होता है कि डायरेक्टली अगर आप किसी भी फाइल्स वगैरह को शेयर करना चाहते हैं, ये एक इसका एक बेनिफिट है। कोई फाइल आपको शेयर करनी हो या फिर आपका डेटा किसी वजह से लॉस्ट हो जाता है, उसे रिकवर करना हो, या फिर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट की ऐप स्टोर होती हैं तो वो वहाँ से अगर किसी ऐप्स को उठाना हो तो आप उस कंडीशन में उसे आप कन्फिगर करते हैं, या फिर आपकी जो फोटोज़ वगैरह होती हैं वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव के ऊपर आपकी शेयर हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ में लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम विंडो 10 के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ए साइन इन ऑप्शन, तो वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूं कि ये पर्टिकुलर एक इमेज है और इस इमेज को मुझे अगर शेयर करना हो तो मैं किस तरीके से शेयर कर सकता हूं, वो भी विंडो 10 की तरह यूज़ करके। तो विंडो 10 के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जस्ट आप इमेज को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ये जो ऑप्शन आ रहा है शेयर, या तो आप इसके ऊपर क्लिक करें या फिर डायरेक्टली मेरे पास शेयर का ऑप्शन यहाँ से भी आता है, राइट क्लिक करके भी आप शेयर के ऑप्शन को ले सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ से बताता हूँ डायरेक्टली। तो आप जब शेयर पे जाते हैं, ये जो होम शेयर में ऑप्शन आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में आपसे पूछेगा। अब इसमें देखिए क्या होगा कि मुझे एक ईमेल करना है, तो ईमेल मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ से जैसे मोर पीपल के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली करेगा क्या कि जो मेरे आउटलुक जो है मेरा कन्फिगर्ड है या हॉटमेल जो आपका कन्फिगर्ड है ऑलरेडी, तो उस हॉटमेल से जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड हैं, यानी कि ईमेल्स वगैरह आपके ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ये उनको आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप इसके लिए जैसे मैं अपने ही अकाउंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये आप देखें जैसे yogesh.net@gmail.com आ रहा है, तो मैं अगर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये डायरेक्टली आपके ईमेल पर चला जाएगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ फ्रॉम का ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया, टू आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अगर आपको CC और CC भी अगर आपको सेट करने हो तो वो आप सेट कर सकते हैं। कोई कंटेंट वगैरह डालने हो तो आप कंटेंट को डाल के देन आप सेंड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट के ऑप्शंस भी आपको यहाँ अवेलेबल होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली फाइल को यहाँ से सेंड करने। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपको आउटलुक को डायरेक्ट ओपन नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आपका आउटलुक यहाँ से ओपन हो गया और आपने ईमेल को बहुत ईजिली भेज दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।